दोस्तों आज मैं आया हूँ अपने मिस्त्री के पास अपनी कार को लेके। गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है, एक अलग सी घड़ घड़ सी आवाज़ जो कि मोस्ट प्रोबेबली सस्पेंशन आर्म की है जिसके बुश कटे हुए हैं। लास्ट सर्विस में मुझे बताया था पर मैंने चेंज नहीं करवाया था। लिंक रोड भी ख़राब है और सेल्फ में बहुत दिक्कत आ रही है। ये है सेल्फ स्टार्ट करते टाइम बहुत दिक्कत आ रही है, ये आवाज़ सुनिए। दोबारा ये है दिक्कत। बस रुक जा, बैटरी लेके आ दूसरी, एक बार दूसरी बैटरी लगा के देखते हैं। दूसरी बैटरी लगा के एक बार चेक करते हैं, अगर स्टार्ट हो गई तो मतलब बैटरी में प्रॉब्लम है। दोनों में दिक्कत है, हाँ लोड ले रहा चला, दिक्कत है बैटरी आ रहा है। बैटरी चलो वापसी हो जाए तो गारंटी में। ये तो रही गाड़ी स्टार्ट होने की बात। अब आपको मैं दिखाता हूँ मेरे सस्पेंशन आर्म लेफ्ट और राइट दोनों के बुश कटे हुए हैं। तो ये राइट साइड का बुश है, अगर आपको देखो ये ब्लैक है कटा हुआ, ये कटा हुआ है ऐसे ही, ये राइट साइड का है और लेफ्ट साइड का भी कटा हुआ है। सस्पेंशन आर्म का मैंने पता किया MGP का ओरिजिनल 2350 का एक है। सस्पेंशन आर्म एक पूरा बॉडी होता है और जो बुश है वो एक रबड़ का पार्ट होता है। बुश अगर कट जाता है तो पूरा सस्पेंशन आर्म चेंज होता है, तो बट बुश भी चेंज करा सकते हैं। अब मारुति कंपनी तो नहीं देती है बुश आपको आप अलग से, बट एक पूरा सस्पेंशन आर्म लेना पड़ता है एक बुश के लिए जो 2350 का पड़ता है। तो मैं बुश चेंज करवाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर बुश चेंज हो जाता है तो मेरे पैसे बच जाएंगे और काम भी अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है उसकी जो असेंबली है उसका जो पार्ट है वो यहाँ से ही इसको ओपन कर रहा है। ओपन करने के बाद देखते हैं बाहर वो कैसा दिखने में कैसा है और उसमें प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों ये है सेल्फ स्टार्ट का वो पूरा बॉडी, इसको ये खोल रहे हैं अभी, देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। ये खुल गया है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा जो पार्ट है ये फ्रंट में, ये होती है कार्बन प्लेट, सेल्फ कार्बन प्लेट। तो भैया यहाँ मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर ये इस पर कार्बन जम गया है। इसके बैक साइड में अगर आपका वो जो इसकी जो वायर्स होती हैं वो ब्लैक हो गई होंगी, अभी दिखाता हूँ आपको। कार्बन चेंज होंगे प्लेट मतलब दिखाना क्या कर रहा है, ये लो ना दिक्कत दिखा रहा, पहले फोटो खींचो। कितनी वीडियो बनते बताओ, ये कार्बन हीट हो गया है दूसरा डलेगा, तो हीट की पहचान करो ना क्या है। लाल हो गया देख लो कलर चेंज, ये वायर का ये वाला पार्ट हमारा ठीक है। अगर ये खराब होता तो 2200-2300 रुपए का ये अलग से एक पार्ट आता। चलिए ले चलता हूँ आपको सस्पेंशन आर्म की तरफ, जिसे हिंदी में चिमटा कहते हैं यहाँ के लोकल लैंग्वेज में, यहाँ पे जो मिस्त्री होते हैं। तो ये है मेरा सस्पेंशन आर्म दोनों यहाँ पर। तो ये जो आपको देखा रबड़ ये कटी हुई है और इसकी देखो ये रबड़ कटी हुई है, ये दोनों सस्पेंशन आर्म की रबड़ कटी हुई है। तो ये रबड़ अलग से नहीं मिलती, ये पूरा आर्म लेना पड़ता है। तो ये दो आम मुझे पड़ते 2300 का एक तो आप लगा लीजिए 4600 के आसपास, 4700 के आसपास मुझे पड़ता, तो ये मेरा खर्चा बच गया। आपको दिखाता हूँ कौन सी दूसरी चीज़ और ख़राब है। ये है लिंक रोड,
लिंक रोड कहते हैं इसको, ये मेरे लेफ्ट साइड की ख़राब है और राइट साइड की दोनों ख़राब है, आई मीन दोनों लेफ्ट और राइट दोनों ख़राब हैं। कि एक आती है 470 रुपीज़ के आसपास, तो मैं ये भी चेंज करवा रहा हूँ। उधर वाले में ना वो उधर वाले में ऐसे ऐसे पहले हो गया है तो वो ख़राब हो गया, इधर वाले में बूट फट गया, ये भी कुछ दिन में ख़राब हो जाएगा, इसमें भी पहले हो जाएगा, दोनों साइड के ही ख़राब हैं। जब तक सस्पेंशन आर्म सेल्फ का काम हो रहा है तब तक मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता है थ्रोटल बॉडी, यहाँ लगती है। अब मैं थ्रोटल बॉडी को भी मैंने निकलवा लिया है, सोचा कि उसको क्लीन करवा लेता हूँ। थ्रोटल बॉडी क्लीन करने से गाड़ी एकदम स्मूथ हो जाती है और धचके नहीं मारती। अगर आपकी गाड़ी CNG में है तो इसे हर सर्विस पे तो एटलीस्ट साफ करवाते रहिए, प्रॉपर निकलवा के इस तरह से साफ करवा लीजिए, काफ़ी सही रहता है। तो यहाँ आ चुकी है हमारी लिंक रोड, एकदम नई नवेली, न्यू, इन दोनों को फिट करवा देते हैं। तो आ चुकी है हमारी थ्रोटल बॉडी एकदम नहा के, एकदम क्लीन होके, देखो कितनी ज्यादा क्लीन है, इसको करवाते हैं अब फिट। ये किस लिए होता है? ये होता है एक्सीलेटर अप डाउन ना हो, मतलब बंद ना होगा बार बार गाड़ी। अच्छा, और स्मूथ? स्मूथली इसी से तो चलेगा, बार बार अगर रेस ऊपर नीचे होगा तो स्मूथली नहीं चलेगी ना। ओके, अब चलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस वाले के पास सस्पेंशन आर्म के ऊपर बुश लगवाने के लिए। आ चुके हैं यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस से, पुराने कटे हुए बुश को निकाल रहे हैं पहले। ये देखो पुराने वाले बुश की हालत, ये कटा हुआ है देखो कैसे, अब सेकंड वाला देखना। और ये है नया वाला बुश, करते हैं इसको फिट। तो हो चुकी है यहाँ पर फिटमेंट सस्पेंशन के अंदर दोनों बुश की, ये देखिए सस्पेंशन आर्म यहाँ पर ऑलमोस्ट फिट हो गया है, दोनों साइड का, ये राइट साइड का हो गया है ऑलमोस्ट। अब चलते हैं आगे, जो हमारा काम रह गया है सेल्फ स्टार्ट में जो प्रॉब्लम आ रही थी उसका। कार्बन प्लेट तो फिट हो चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि वो किस तरह से कैसी दिखती है। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ ख़राब वाली, ये नई वाली कुछ ऐसे है एकदम क्लियर। पहले वाली ब्लैक थी और इसमें जो इसकी जो वायर्स है, ये जो कॉपर की, ये पूरी ब्लैक हो चुकी थी और डार्क रेड हो चुकी थी, तो उसमें प्रॉब्लम थी। एक गरारी की और प्रॉब्लम है, वो अभी ऑर्डर की है, वो आपको मैं दिखाता हूँ जैसे ही वो वहाँ पर आती है, तो उसको फिट करने का, उसका फिटमेंट का पूरा मैं आपको दिखाता हूँ और सेल्फ कैसे काम कर रहा है मेरा, फिर मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये है कार्बन प्लेट जो मैंने ली है और ये है वो गरारी जिसको हमने अभी मंगवाया है। ये जैसे मैं इसको पुश कर रहा हूँ अपने फिंगर से,
तो ये जो पुश करने पे एकदम फ्री नहीं हो रही है, थोड़ा ये हार्ड होनी चाहिए, वो फ्री हो चुकी थी पहले वाली। ये है पुराने वाली गरारी, ये देखो इसको मैं अभी अपने फिंगर से इसको थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करूँगा, ये फ्री दिखेगी आपको। ये देखो कैसे आराम से इजीली पुश हो रही है, और पहले वाली जो मैंने अभी मंगवाई है वो काफ़ी हार्ड है, तो ये डिफरेंस होना चाहिए। तो चलिए कराते हैं इसे भी फिट, और इसका प्रोसीजर कैसा होने वाला है आप देख सकते हैं। सेल्फ की असेंबली पूरी खुल चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे काम चालू हो चुका है। आप देखिए थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड में, यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बताना भूल गया, गरारी मुझे पड़ी 800 रुपए की। सेल्फ स्टार्ट की असेंबली यहाँ पर फिट हो रही है। फिट होने के बाद मैं आपको पूरा खर्चा और अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। सारा काम कंप्लीट हो चुका है, चलिए करवा लेते हैं अब बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट। इसके बिना सारे काम अधूरे हैं। लास्ट में ये बहुत ही जरूरी स्टेप है, मैं करवा रहा हूँ यहाँ से। मेरे एक टायर में कट के लगने की वजह से मुझे एक टायर के अंदर ट्यूब डलवानी पड़ी थी, तो अभी मुझे भैया ने बताया कि आपको वो करवाने की ज़रूरत नहीं थी, इसी कट को ही वो रिपेयर कर सकते हैं, वो भी परमानेंट। सो लेट्स सी कैसे होता है, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो भैया ने क्या किया है, इस कट के अंदर अभी थोड़ी सी एल्फी डाली है। एल्फी डालने के बाद ये जो ब्लैक ब्लैक आप सब्सटेंस देख रहे हैं, ये है रबड़ का बुरादा, आई मीन टायर का बुरादा, बहुत बारीक बुरादा है। इन्होंने क्या किया, एल्फी को डाला, फिर उसके ऊपर ये बुरादे को इसके ऊपर डाल रहे हैं, और फिर से इसके ऊपर भैया लगा रहे हैं एल्फी। अच्छा, ये पहले ट्यूब पर लगाते थे ना, अंदर ये चीज़ काम कर जाएगी। उससे मशीन से ना घिसा जाता टायर को, जैसे रेती से घिसते थे ना टायर ट्यूब। काम कंप्लीट हो गया है, अब इस ट्यूब का कुछ काम नहीं रहा, बट स्टिल मैं फिर भी इसको रखूँगा अपने पास। टायर के कट को तो भर दिया है, अब इसके जो ट्यूबलेस वाला वॉल्व है वो लगा दिया है यहाँ पर। पहले ट्यूब टायर वाला वॉल्व था वो हटा दिया, वो ट्यूब के साथ होता है, तो ट्यूब हटी तो वॉल्व भी हट गया, तो यहाँ पर ट्यूबलेस के लिए अलग से वॉल्व लगाया है। और लास्ट में भैया एक प्रोसीजर वो पूरा कर रहे हैं, दोबारा से लास्ट उस पर एल्फी लगा के मिट्टी डाल रहे हैं। भैया कह रहे हैं ये एकदम टफ हो जाएगा, फिर तो ये कहीं भी जाने वाला नहीं है, और ये परमानेंट है। इन्होंने गारंटी ली है कि ये पूरा जो प्रोसीजर इन्होंने किया है, एक ट्यूब टायर वो जो पहले टायर लगा दिए थे हमने, उसको वापस से ट्यूबलेस करने में परमानेंट ला जाइए।
चलिए जी करते हैं अब फाइनल टेस्टिंग, कोई लीकेज तो नहीं है। और हाँ, जहाँ पर हमने वो कट पर हमने वो जो जुगाड़ किया है परमानेंट वाला, वहाँ पर वो चीज़ सही है या नहीं है, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर सारा देख लिया है, यहाँ पे तो अभी कुछ भी नहीं है, कंप्लीट है। और वो कट वाला पार्ट आपको दिखा देते हैं अभी, ये यहाँ पर लगा रहे हैं भैया, वो कट वाला पार्ट है ये रहा यहाँ पर, ये जो आपको देख रहा है यहाँ पे कट वाला पार्ट है, कोई बबल नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये ठीक है। काम ख़त्म होने के साथ साथ मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। और ख़र्चा आपको लास्ट की स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।